हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नकदी फसल, जिसे इंग्लिश में कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए सीखते और समझते हैं कि नकदी फसल या कैश क्रॉप किसे कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम नकदी फसल की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी फसल का वह प्रकार जिसमें उस फसल की खेती एवं उत्पादन केवल बेचने एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वह नकदी फसल कहलाता है। ठीक है, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, तो किसी भी फसल की खेती या उत्पादन जब केवल बेचने के उद्देश्य से तथा आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तब उस फसल को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस फसल को हम नकदी फसल के नाम से जानते हैं, या ऐसी फसलों को नकदी फसल कहा जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैश क्रॉप की इंग्लिश में डेफिनेशन की अगर बात करें तो कैश क्रॉप की डेफिनेशन को इंग्लिश में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट टाइप ऑफ क्रॉप इन विच कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप इज डन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट इज कॉल्ड कैश क्रॉप। ओके, तो कैश क्रॉप या नकदी फसल की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, आगे हम नकदी फसल से रिलेटेड कुछ उदाहरण देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको मुख्य रूप से नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है, या जिनकी खेती जो है नकदी फसल के रूप में की जाती है। ओके, तो नकदी फसल के रूप में उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलों के उदाहरण इस प्रकार से है, पहला है आलू, दूसरा है गन्ना, तीसरा है कपास इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आलू, गन्ना और कपास का मैंने उदाहरण लिया है। आप लोग जानते होंगे आलू को बेसिकली बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, वैसे ही गन्ने तथा कपास की खेती भी उन फसलों से उत्पादन लेने के पश्चात उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि नकदी फसल क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं, नकदी फसल किसे कहेंगे या नकदी फसलें क्या होती है, तो वे फसलें जिनकी खेती किसान या जिनका उत्पादन एक किसान जो है आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से तथा उन फसलों को केवल बेचने के उद्देश्य से करता है, तो इस प्रकार की जो फसलें होती है उन्हें नकदी फसल कहा जाता है। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को नकदी फसल क्या होता है, उसकी परिभाषा किस तरह से लिखी जा सकती है, यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।